वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एन्जॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम करेंगे 11th स्टैंडर्ड की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह है वो हमारे इंडियन राइटर है और वो सिर्फ नॉवलिस्ट ही नहीं है बल्कि जर्नलिस्ट भी हैं। और उन्होंने जो फर्स्ट नॉवल लिखी थी दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। एंड यू नो ये जो चैप्टर है ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। Now let's start the portrait of a lady. But before that, please like, share, subscribe, and support my YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Next is the portrait of a lady. Lady को क्या portrayal किया गया? Lady को दिखाया गया एक universal figure. किस तरीके का portrayal दिया? एक universal figure जो किसकी है? Selfless love की है, जो हर लेडी ऑलमोस्ट होती है। Now let's start. इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में ना 3 फेसेस दिखाए गए हैं ऑथर के रिलेशनशिप उसकी ग्रैंड मदर के साथ। पहले फेस में क्या होता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड को उसने दिखाया है कि किस तरीके से वो विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, कैसे वो उसको उठाती थी, स्कूल भेजती थी, वो लोग इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे, मतलब एक अच्छी सी फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में। सेकेंड फेस दिखाता है कि ऑथर और उसकी जो ग्रैंड मदर है ना वो सिटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, वहाँ पर भी वो सेम रूम शेयर करते हैं लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं। देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। नाउ थर्ड फेज में क्या होता है कि जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, वहाँ पर उसका अपना एक रूम होता है। तो ये जो उनका बॉन्ड था वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, जो कॉमन जो उनका लिंक था वो धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब गैप आ रहा है। तो ये उसके थर्ड फेज में होता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर। मेरी जो ग्रैंड मदर थी बाकी ग्रैंड मदर की तरह वो भी कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी। वो इतनी ओल्ड थी कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स है। रिंकल्स आपको पता है, रिंकल्ड हैविंग लाइन्स ऑन द फेस। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। लगभग 20 साल से वो वैसी लग रही थी जब से मैं उन्हें जानता हूँ। लोग ये बोलते थे कि एक टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा यंग और प्रिटी होती थी और उसका एक हस्बैंड भी होता था, लेकिन ये मानना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि वो यंग होती थी। मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनकी एक पोर्ट्रेट हंग होता है, टंगी हुई थी। कहाँ पर? अबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर। कहाँ पर? इन द ड्राइंग रूम में। मतलब ड्राइंग रूम में एक अंगीठी पड़ी है, उसके ऊपर ग्रैंड फादर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है जिसमें उन्होंने एक बिग टर्बन होती है, पगड़ी पहनी हुई है और लूज़ फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं। उनकी लंबी सी वाइट कलर की बियर्ड है, वो इतनी लंबी है कि वो काफ़ी पार्ट जो उनके चेस्ट का उसको कवर कर रही है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और वो लगभग उसको देखो तो उस फोटो को देखो तो ऐसे लगता है जैसे वो लगभग 100 साल के हों। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसे लगता नहीं है कि उनकी वाइफ या बच्चे होंगे, क्योंकि वो इतने बड़े लग रहे थे कि ऐसे लगता है इनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। अगर मेरी ग्रैंड मदर की बात करते हैं उनकी वो एक टाइम पर यंग थी, प्रिटी थी, ये जो थॉट है वो भी क्या लगता है? बड़ा ही रिवोल्टिंग लगता है, अनप्लीजेंट सा लगता है, अजीब सा लगता है। और वो क्या करती थी? हमें बहुत ही ज़्यादा अपनी जो गेम्स जो वो खेला करती थी बचपन में उसकी कहानियाँ सुनाती थी। That seemed quite absurd। और वो सब कैसे लगता था? बड़ा ही ज़्यादा absurd होता, illogical सा लगना, अजीब लगता था। एंड undignified लगता था, disrespectful लगता था। एंड we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। और हम लोग क्या कैसे ट्रीट करते थे? फेबल्स की तरह। फेबल्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस जो स्टोरीज होती हैं विद अ मॉरल टीचिंग, दैट इज़ फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। जो सेंट्स लोग जो थे वो सुनाते थे वैसे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ पर मैं उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो मैं बोलूँगी अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते जाना, कैसे कि वो बहुत ही हाइट में छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई थी। और उसके जो फेस था उस पर क्या था? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस क्या होता है? इंटरसेक्ट करना, लाइन्स बनना। क्रिस क्रॉस कर रही है, एक जाला सा बन रहा था उनके फेस पर रिंकल्स का। रनिंग फ्रॉम Everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we known her. और हम लोग बहुत सर्टेन थे कि जैसे जब से हम उसे जानते हैं ना वो ऐसी ही है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मतलब ओल्ड हो चुकी हैं, इतनी ओल्ड हो गई हैं दैट ऐसे लग रहा है कि वो और ओल्ड हो ही नहीं रही हैं, वो उसी जगह पे अटकी हुई हैं फॉर द लास्ट 20 years। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी। ऐसे लगता है वो कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। अब होबल्ड क्या होता है? थोड़ा सा लंगड़ा के चलना। वो घर में कैसे घूमती थी? इन स्पॉटलेस वाइट विद 1 hand रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। अब क्या होता था? उनका एक हाथ उनकी कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप यानी उनकी बैक को बैलेंस करने के लिए। और दूसरा हाथ कहाँ पर होता था, टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी यानी माला फेरना, मोतियों की माला फेरना। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यूज होता है हेयर्स के लिए, उनके जो बाल थे सिल्वर, यू कैन अंडरस्टैंड वाइट हेयर्स। वर स्कैटर्ड अनटाइडली, अनटाइडली होता है कि जो प्रॉपर बंधे हुए नहीं है, वो स्कैटर्ड होता है फैले हुए, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो क्या होते हैं, फैले हुए थे बिल्कुल ही अनटाइडली। कहाँ पर, ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल यानी पीला होना और पकड़ यानी थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ ना होना, कि उनका जो पीला और सिकुड़ा हुआ फेस था उसके ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, चांट कर रहे हैं क्या, इन ऑडिबल प्रेयर, धीरे धीरे मन मन में बड़बड़ा रही हैं जो सुनाई नहीं दे रहा। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन क्या थी, देखो उसने पहले भी बोला कि वो प्रिटी नहीं है बट शी इज़ ब्यूटीफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब यहाँ पर क्या किया है कि उसको कंपेयर किया गया किससे, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। कैसे, वो कहता है कि जो विंटर लैंडस्केप होता है इन द माउंटेन्स में वो कैसा होता है, बहुत ही पीस और काम होता है, वैसे ही हमारी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो क्या है, प्योर है, वाइट है, सीरेनिटी यानी पीसफुलनेस को दिखा रही है, पीस को दिखा रही है, ब्रीथिंग की पीस एंड कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फेक्शन, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी को दिखाया गया कि उसके अंदर कितनी ब्यूटी है, हाउ काम शी इज़, हाउ पीसफुल शी इज़, हाउ रिलैक्स शी इज़। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स ने, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे तो वो मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गए थे और हम लोग साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी, अब क्या करती थी वो, यूज टू होता है हैबिट होना, वो डेली रोज सुबह मुझे उठाती थी और रेडी करती थी, किस लिए, स्कूल जाने के लिए। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंगिंग सॉन्ग, अब वो रोज़ क्या करती थी, अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती थी, किस तरीके से, डल और बोरिंग वे में, मोनोटोनस। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और फिर वो क्या करती थी, मुझे तैयार करती थी इस उम्मीद के साथ कि मैं अच्छे से उनकी बात को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उनकी प्रेयर्स को दिल से सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता था। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन बट आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की, मतलब मैंने कभी परवाह नहीं की कि मैं उसको अच्छे से सीखूँ। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच वुड, अब वो क्या करती थी, मेरी फैच होता है लेके आना, ब्रिंग लेके आना, क्या लेके आती थी वो, मेरी वुडन की स्लेट लाती थी, विच हैड ऑलरेडी बीन वॉश्ड, जिसको पहले से क्या होता था, पहले से वो धुली हुई होती थी, और उसके ऊपर पीली मिट्टी से लेप लगा हुआ होता था। और उसके अलावा टिनी अर्दन इंक पोट, अर्दन यानी मिट्टी वाला इंक पोट लेके आती थी, रेड पेन लाती थी, सब चीज़ों को एक बंडल में बांधती थी और मुझे हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, फिर हम लोग क्या करते थे, ब्रेकफास्ट लेते थे, मोटी स्टेल होता है बासी, बासी रोटी का, विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर लगी होती थी। और फिर हम लोग कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, इसके अलावा वो कुछ बासी रोटियाँ जो थी रास्ते में रख लेती थी कि जब हम स्कूल जाएंगे तो रास्ते में किसको खिला देंगे, विलेज के कुत्तों को खिला देंगे। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Clear? अब वहाँ पर जो प्रिस्ट था वो क्या करता था, प्रिस्ट होता है पादरी, वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, अब क्या था, एक साइड पे तो क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं वरांडा में, वो क्या कर रहे हैं, अपने अल्फ़ाबेट जो है वो गा रहे हैं, प्रेयर्स गा रहे हैं, इन कोरस, कोरस क्या होता है, मिल के गाना, सारे साथ में गाना। और मेरी मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर सॉरी, अंदर बैठ कर वो क्या कर रही होती थी, अपने स्क्रिप्चर्स को रिसाइड कर रही होती थी, पढ़ रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, मतलब अंदर बैठ के वो उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, बाहर मैंने अपनी प्रेयर्स कर ली, तब हम लोग कहाँ जाते थे, वापस घर जाते थे। इस टाइम पर क्या होता था कि विलेज के जो डॉग्स थे वो हमें टेम्पल के दरवाजे पे मिल जाते थे, वो हमें फॉलो करते रहते थे हमारे घर तक। कैसे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, ग्रोलिंग होता है गुर्राना, गुर्राते थे, लड़ते थे एक दूसरे के लिए। क्यों लड़ते थे, क्योंकि उनके पास क्या होती थी, चपातीस होती थी, स्टेल चपातीस होती थी, जो हम उन्हें खिलाते थे, उनकी तरफ फेंकते थे, इसलिए। अब क्या हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मतलब खुशवंत सिंह के, वो क्या हो गए कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में वहाँ पर। तो उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा कि चलो हमें भी आ जाना चाहिए, और ये हमारी लाइफ में हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि हम लोग सेम रूम शेयर करते थे बाद में, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। नेचुरल सी बात है, अब वो शहर में कोई ये थोड़ी साथ में स्कूल जाएगी, गांव का अलग माहौल था। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब वहाँ पर क्या था, एक इंग्लिश स्कूल था, और मैं वहाँ कैसे जाता था, बाय बस जाता था। देयर वर नो डॉग्स। अब देखो दूसरा फेज़ उसकी लाइफ का शुरू हो गया। अब वहाँ पर क्या था, कोई डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में, तो वो क्या करती थी, स्पैरोज़ जो है उनके कोर्ट यार्ड होता है बरामदा वेड़ा, वहाँ पर आते थे उनके सिटी वाले घर के पास, तो वो ग्रैंड मदर उनको फीड कर लेती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कम मिलने लगे, हमारी इंटरसेक्शन कम होने लगी, इंट्रैक्शन कम होने लगी। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी। अब थोड़े टाइम के लिए तो क्या वो मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं वापस आता था तो वो मेरे से पूछती भी थी कि आज मैंने स्कूल में क्या पढ़ा, आज मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया। मैं उसे बताता था जो भी मैंने इंग्लिश वर्ड सीखे होते थे, और भी छोटी छोटी चीज़ें, किसकी, वेस्टर्न साइंस की एंड लर्निंग की, लॉ ऑफ ग्रेविटी की, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो मैं स्कूल से पढ़ के आता था मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये सारी चीज़ें उसे अनहैप्पी कर देती थी। क्यों? क्योंकि ये सारे साइंटिफिक वर्ड्स थे, इंग्लिश वर्ड्स थे, तो जिससे जो उसे आते तो थे नहीं, तो इसलिए उसे अच्छा भी नहीं लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी। वो मुझे पढ़ा नहीं सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स। और वो ये नहीं मानती, मतलब उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नॉट। और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। एक दिन क्या हुआ, मैंने घर आके अनाउंस किया दैट कि अब हमें क्या दिए जा रहे हैं, म्यूज़िक में लेसन्स दिए जा रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ये सुनने के बाद। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग थी। उनके लिए क्या था, टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके लिए क्या था कि जो म्यूज़िक है उसका संबंध किससे है, ल्यूड एसोसिएशन से है, यानी कि अश्लीलता से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स। वो ये मानती थी कि ये जो म्यूज़िक है ये किन के लिए बना है। हार्लट्स क्या होती हैं, प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं। मतलब एक लेडी का बहुत मेल जो पार्ट वो होते हैं, मेल पार्ट के साथ एक सिंगल लेडी का इलीगली रिलेशन होना, दैट इज़ प्रॉस्टिट्यूट होती हैं वो। एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। मतलब ये जो म्यूज़िक है ये हार्लट्स के लिए है, बेगर्स के लिए, जेंटल फोक के लिए नहीं है, डिसेंट फैमिलीज़ के साथ के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग। वो कुछ नहीं कहती, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उनकी जो साइलेंस थी उसका मतलब क्या था, डिसअप्रूवल था। मीन शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। एंड शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उससे बहुत ही ज़्यादा कम बात की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन। अब क्या हुआ, अब मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर मुझे मेरा एक अपना रूम मिला। तो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी क्या हो गया, स्नैप हो गया। मतलब सडनली ब्रेक हो गया पूरी तरह से। मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या, हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मतलब उन्होंने अपनी लोनली लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। एज शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंड सन विदाउट ऑब्जेक्शन। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। अब वो कभी कभी अपनी स्पिनिंग व्हील क्या होता है, वो अपना चरखा काटती रहती थी, बिजी रहती थी, वो कभी कभी उसको छोड़ती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखा काटती रहती थी या फिर अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी, गाती रहती थी बार बार। दोपहर को ही सिर्फ क्या करती थी, वो रिलैक्स करती थी थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। और उस टाइम पर वो क्या करती थी, टू फीड द स्पैरोज़ को फीड करती थी। व्हेन शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द लिटिल ब्रेड्स इनटू लिटिल बीट्स। अब वो क्या था, जब वो बरामदे में बैठी और उन्होंने क्या किया, ब्रेड के छोटे छोटे पीस किए तो 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स उसके आसपास इकट्ठी हो जाती थी। कैसे, क्रिएटिंग ए वर्टेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। ऐसे लगता था जैसे सचमुच के पागल खाने का दृश्य हो, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था। सम केम एंड पर्च्ड। अब क्या होता था, वो चिड़िया जो होती थी, काफ़ी सारी जो स्पैरोज़ होती थी, कुछ आती और उसके लेग्स के ऊपर बैठ जाती, कुछ शोल्डर के ऊपर बैठ जाती। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड। और कुछ उसके सिर पे भी बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे। वो हंस देती थी लेकिन कभी भी उन्हें शूट होता भगाना ऐसे नहीं करते हम, शू शू शू, तो वो ऐसे कभी नहीं करती थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर। और ये जो आधा घंटा होता था उसकी पूरे दिन का सबसे अच्छा दिन होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब क्या हुआ, जब ऑथर ये डिसाइड करता है कि वो अब्रॉड चला जाएगा फर्दर स्टडीज़ के लिए, उस टाइम पर वो बिल्कुल श्योर था कि उसकी ग्रैंड मदर जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, क्योंकि उसे जो है लगभग 5 सालों के लिए वहाँ पर जाना था। और इस एज पे वन कुड नेवर टेल मतलब इस उम्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, मे बी कि उनकी डेथ हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन वो कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, वो इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात की, ना ही कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। उनके जो लिप्स थे वो वैसे ही पहले की तरह बिजी थे किसमें, प्रेयर्स करने में। उनकी जो माइंड था वो भी प्रेयर में खोई हुई थी, वो कहीं ना कहीं। उनकी जो फिंगर्स थी वो भी कहाँ पर बिजी थी, इन टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ माला, मोतियों की माला, वही रटती रही। साइलेंटली उन्होंने क्या किया, मेरे फॉरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया, आई चेरिश द मोएस्ट इम्प्रिंट। मैंने क्या किया, वो जो मोइस्ट इम्प्रिंट थे, मोइस्ट होते हैं वेट, इम्प्रिंट आप कह सकते हो निशान, मतलब वो जो गीले निशान थे, मैंने उसको क्या किया, उसको चेरिश किया, उसको महसूस किया, उसको अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद ये जो है लास्ट साइन हो हमारे बीच के, फिजिकल कांटेक्ट हुआ हो ये हमारे बीच में। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं उनसे स्टेशन पर मिला, वो मुझे लेने के लिए आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, ऐसी की ऐसी लग रही थी जैसे पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन आज भी वही था। वर्ड्स यहाँ पर आप कह सकते हो बातों के लिए, उनके पास बातों के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड क्या मतलब क्या होता है कि होल्ड टाइटली, उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में टाइटली लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें सुन पा रहा था कि वो अभी भी किस में बिजी थी, अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करने पे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हालांकि मेरा पहला दिन था वापसी का, फिर भी क्या था, उनकी हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थी, वही कौन सी वाली कि स्पैरोज को फीड करना। whom she fed longer with frivolous rebuke। frivolous rebuke क्या होता है कि लाइट हर्टेड, आप रिब्यूक होता है किसी को स्कोल्ड करना, और frivolous क्या होता है, लाइट हर्टेड, मतलब थोड़ा सा बनावटी डांटना किसी को। दैट इज, इस तरीके से वो क्या कर रही थी, स्पैरोज में बिजी थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज नोटिस हुआ। क्या, उन्होंने प्रेयर नहीं की, उन्होंने क्या किया, अपने आसपास की जो नेबरहुड की जो वुमेन्स थी उनको कलेक्ट किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लेके आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक उन्होंने क्या किया, शी थम्प्ड होता है हिट करना, बजाया। क्या, सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, सैगिंग यानी लूज स्किन, किसकी, डिलैपिडेटेड ड्रम आप कह सकते हो कि पुराना सा एक ड्रम था, उसकी लूज स्किन को उन्होंने बहुत देर तक थंप किया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वैरियर, और वो गाना गा रही थी किसका, वैरियर्स का, कि जो वैरियर हैं, जो योद्धा हैं, वो क्या है, अपने घर वापस आ रहे हैं। वी हैड टू परसुएड हर, हम लोगों को उन्हें मनाना पड़ा कि स्टॉप करो, रुक जाओ, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, आप ज़रूरत से ज़्यादा ये काम मत करो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रे नहीं किया और वो इन सब चीज़ों में बिजी हो गई। वही बात हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा उनको फीवर आ गया। डॉक्टर आए दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी ग्रैंड मदर ने बोला कि डॉक्टर्स ने क्या बोला, डॉक्टर ने बताया कि कोई बात नहीं, ये चला जाएगा, थोड़ा सा बुखार है। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है वो कुछ अलग ही सोचती थी। उन्होंने ये बताया कि उनका डेथ जो है, उनकी जो एंड है, वो बहुत नज़दीक आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, की तो उनका जो आखिरी चैप्टर है, ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव है, उसके ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले शी ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने क्या किया, प्रे करना छोड़ दिया, वो बिजी होगी ना इन सब टास्क में। नाउ शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो अपना कोई भी एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती हमारे साथ बातें करके। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, प्रोटेस्ट किया, उनको रोकने की कोशिश की। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, वो पेसफुली कहाँ पर लेट गई, बेड पर लेट गई, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। इवन बिफोर शी कुड वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ डाउट होता या कुछ, उनके लिप्स जो है सडनली क्या हुए, मूव करना रुक गए, और उनके हाथ से जो रोजरी थी वो गिर गई। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी लाइफलेस फिंगर्स, आई मीन शी वॉज डेड, तभी उनकी फिंगर्स कैसी हो गई, लाइफलेस हो गई हैं। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और क्या है, उनके फेस के ऊपर एक पीसफुल, शांत, पैलर होता है पीलापन होना, जो फेस है वो पीला हो गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि नाउ शी वॉज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज एज इज कस्टमरी. कस्टमरी क्या होता है कि ट्रेडिशन होना, जैसे कि हमें पता है कि एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसे बेड से उतार देते हैं. एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे लेटाया और उनको कवर किया. किससे? विद रेड श्राउड. श्राउड क्या होता है? कफन. रेड जो है कफन से उनको ढका. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है शोक करना, थोड़ी देर जब हमने शोक कर लिया उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम लोग बिजी हो गए उनकी अरेंजमेंट करने में. किसकी अरेंजमेंट? फ्यूनरल की. फ्यूनरल क्या होता है? अंतिम संस्कार करना. इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, हम उनके रूम में गए. कैसे? विद ए क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड स्ट्रेचर क्या होता है? अर्थी जिस पे लेटाते हैं. टू टेक हर टू बी क्रीमेंटेड, ताकि उन्हें ले जाया जा सके. किसके लिए? अंतिम संस्कार के लिए. सन जो है वो सेट हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और क्या हो रहा था कि उनके जो रूम है वरांडा में हल्की सी, मतलब एक लेयर जो है गोल्डन लाइट की वो आ रही थी. वो स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड. हम लोग जो कर्टयार्ड था, आंगन था, वहाँ पर रुक गए. क्या देखा हमने कि ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, कि पूरे उसके वरांडा में और वहाँ रूम पे भी जहाँ पर वो लेटी हुई थी. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ स्टिफ रैप्ड यानी हार्डली रैप की गई थी किससे? रेड कलर के कफन में. वहाँ पर क्या था? थाउजेंड ऑफ स्पैरोज बैठी हुई हैं. स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, ऐसे लग रहा था फ्लोर पे बिखरी पड़ी हैं. लेकिन देयर वॉज नो चर्पिंग. कोई चर्प नहीं कर रही थी, कोई चहचहा नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा. और जो मेरी मदर थी उन्होंने क्या किया, वो जाके थोड़ी सी ब्रेड लेके आई. उन्होंने सोचा कि जैसे मेरी मतलब सास खिलाती थी अब मैं खिला देती हूँ. शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे लिटिल टुकड़े किए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी. एंड थ्रू इट टू दैम, और उन स्पैरोज को डाला. लेकिन स्पैरोज ने क्या किया? टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड पर ध्यान भी नहीं दिया. When we carried my grandmother corpse off, लेकिन जब हम लोग अपनी मेरी ग्रैंड मदर की कॉप्स होता है डेड बॉडी को लेके जा रहे थे तो क्या हुआ? वो भी उड़ गई चुपचाप, क्वाइटली. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि जो स्वीपर आया उसने क्या किया? स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. उसने वो सारे ब्रेड क्रम्स उठाए और उठा के कहाँ पर डाल दिए? डस्टबिन में डाल दिए. सो दिस वॉज द चैप्टर The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Thank you so much for watching it and listening it very patiently. If you have any doubt, comment on my comment box. And please like, share and subscribe my YouTube channel Enjoy English with Bhavya.